मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों का। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केंद्र से लंबित कोष समेत अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में तेलंगाना के सीएम और उनके बीच यह पहली मुलाकात होगी। आरबीआई एक बार फिर अपनी दरों में कमी का ऐलान कर सकता है। दरअसल सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक नकदी मुहैया कराने की कोशिश को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है। कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस आज से पटरियों पर दौड़ेगी, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के शेष सभी 6 दिन इसका परिचालन किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी आज गांधी की विचार पदयात्रा का आयोजन करेगी। आपको बता दें कि यह यात्रा धमतरी जिले के गोरख ग्राम कैंडल से शुरू होगी, जो विभिन्न गांव से होते हुए 10 अक्टूबर को रायपुर पहुंचकर समाप्त की जाएगी। पंजाब विधानसभा की 4 सीटों पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की समन्वय समिति की बैठक आज होने जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के द्वारका से नजफगढ़ के बीच बनाया गया नया मेट्रो कॉरिडोर शुक्रवार से आम जनता के लिए खुल जाएगा। डीएमआरसी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12:15 पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डीएमआरसी के मुख्यालय मेट्रो भवन से हरी झंडी दिखाकर इस रूट पर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन को रवाना करेंगे। चीन सीमा के नजदीक भारत अपनी रोड के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसी के मद्देनजर भारत ने सिक्किम में एक ऐसी रोड के काम को पूरा किया है जो कि डोकलाम प्लाटू के नजदीक हमारी सीमा तक जाता है। आपको बता दें कि ये इकलौती सड़क है जो कि डोकलाम तक जाती है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जहां बिहार के एक राज्यसभा सीट से वाल्मीकि नगर के पूर्व सांसद सतीश चंद दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं यूपी के खाली हुई राज्यसभा सीट से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बैंक के ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक से माइक्रो ATM से कैश विड्रॉल करने को सीमित कर दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों बैंकों ने माइक्रो ATM से कैश निकालने की संख्या घटाकर 4 कर दी है। मेघालय की केंद्रीय पूजा समिति ने राज्य की सभी दुर्गा पूजा समितियों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें उत्सव के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूर रहने को कहा गया है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 4 से 8 अक्टूबर तक राज्य भर में 200 से अधिक दुर्गा पूजाएं आयोजित की जा रही है। उच्चतम न्यायालय में कल अयोध्या मामले की सुनवाई हुई, जिसमें रामलला के वकील ने अदालत को बताया कि अयोध्या में मस्जिद के नीचे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो यह दर्शाता है कि यहाँ पहले मंदिर था। गौरतलब है कि अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। 4 देशों और यूरोपीय संघ के राजदूत ने कल राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक जिन राजनयिकों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे हैं, उनमें फ्रांस के राजदूत एमैनुएल लेनाइन और यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुओ भी शामिल हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने INX मीडिया मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां अदालत ने चिदम्बरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उधर उनकी न्यायिक हिरासत को राव जेवेन्यू कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कल पुणे के कोथरूड निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र में मराठा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और वे पश्चिमी महाराष्ट्र से आते हैं, जहां मराठा मजबूत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और वे कुछ दिनों पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और यह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक बड़ा उपहार है। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस मात्र 8 घंटे में दिल्ली से कटरा की दूरी तय करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को छुटकारा दिलाने के लिए शुरू किए गए अभियान के बारे में स्पष्ट किया है कि इसे कानूनी तरीके से लागू करने के बजाय लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर लोगों की आदत में बदलाव लाना मूल मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस मुहिम के माध्यम से भारत को प्लास्टिक कचरे से छुटकारा दिलाना है, इसलिए इसे स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण मानकर लागू किया गया है।
सीबीआई ने आईआईटी गोवा के निदेशक बीके मिश्रा के खिलाफ कथित मामले में करीब 2 साल से चल रही जांच को बंद कर दी है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने कांग्रेस को लेकर कहा कि फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों में किसी भी सीट पर पंजाबी और ठाकुर जाति को टिकट न देना कांग्रेस के लिए महंगा साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया था, उसी तरह से हम 75 का आंकड़ा भी पार करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर संजय निरुपम ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी को अब मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि वही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी राज्य में टिकट बंटवारे को लेकर इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी सभी समितियों से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे 12 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित कर दी है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा और वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। कई राज्यों में अब लाइसेंस और आरसी नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में चालकों व वाहन स्वामियों को इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रदेश में पहले से ही केंद्र द्वारा तय मानकों के अनुसार ही लाइसेंस और आरसी बनाए जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ फिलहाल कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्मित आवास अब एक मुश्त राशि देकर लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो सकेगा। इसके बाद संबंधित मकानों की खरीद बिक्री की जा सकेगी। यह राशि शहरों और श्रेणी के अनुरूप बाजार मूल्य की न्यूनतम 10 से अधिक 25% तक होगी। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग ने राज्य के 12 शहरों के लिए दर निर्धारित कर दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हमारे संवाददाता शिवशंकर बता रहे हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला कारागार टेम्बा में लवकुश हॉस्पिटल और हेल्प यू फाउंडेशन की तरफ से मेडिकल कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दवाइयां भी वितरित की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी पूनम द्वारा तहसील मोहम्मदी में जन शिकायतों को सुना गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी सहित पूरे जिले में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ये खबरें आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।